तो इधर मस्क ट्विटर खरीदते हैं और उधर इंडियन ओरिजिन के पराग अग्रवाल को कंपनी से बाहर कर दिया जाता है। नौकरी खोने वालों में कंपनी के सीईओ पराग अग्रवाल अकेले नहीं होते, बल्कि इंडियन ओरिजिन की ही विजया गाड्डे को भी नौकरी से बाहर कर दिया जाता है। अभी लेटेस्ट फायरिंग में मस्क ने ट्विटर इंडिया के आधे स्टाफ की नौकरी छीन ली। इन सबसे एक बात साफ है कि मस्क के ट्विटर खरीदने से भारतीय और भारतीय मूल के लोगों का काफी नुकसान हुआ है। मामले की पूरी डिटेल देते हैं आपको इस स्टोरी में, लेकिन सबसे पहले आप ऐसी ही स्टोरीज के लिए अनकट को फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो हो ये रहा है कि मस्क दुनिया भर के ट्विटर स्टाफ को फायर कर रहे हैं। फायरिंग के आज से भारत के भी लोग नहीं बच पाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में ट्विटर के 250 के करीब एम्प्लॉयज हैं, इनमें से ज्यादातर लोगों को मस्क ने बाहर कर दिया। नौकरी खोने वालों में मार्केटिंग से कम्युनिकेशन और पार्टनरशिप से लेकर लगभग हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज शामिल हैं। इस स्केल की फायरिंग के लिए मस्क ने जस्टिफिकेशन दिया है। उनका कहना है कि ट्विटर को रोज $4 मिलियन यानी करीब 33 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। इस घाटे का हवाला देते हुए वो लोगों की नौकरी छीनने को जस्टिफाई कर रहे हैं। साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि जिनकी नौकरी छीनी गई है उन्हें 2 महीने का सीवियरेंस पे दिया गया है, और उनका दावा है कि स्टाफ की फायरिंग के बाद लीगली उनको जितना मिलना चाहिए था मस्क ने उससे 50% ज़्यादा दिया है। आपको पता होगा कि मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। ट्विटर खरीदने की डील उन्होंने $44 बिलियन में की थी। इस डील से वो बीच में मुकर भी गए थे, लेकिन ट्विटर वाले उनको कोर्ट में लेके चले गए, घसीट लिया। फिर उन्हें एक कंपनी खरीदनी पड़ी। अब सांत सुशुंदर वाले फेरे में उन्होंने ये कंपनी खरीद तो ली, लेकिन उनके मालिक बनने के बाद एम्प्लॉयज के लिए मार काट जैसी सिचुएशन बनी हुई है, और ऐसी सिचुएशन में इंडियंस का भी बहुत बुरा हाल है। ट्विटर के लिहाज से इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्विटर यूजर्स के मामले में इंडिया 3rd नंबर पर है। पहले 2 नंबर्स पर अमेरिका और जापान है। इंडिया में ट्विटर के करीब 2 से 2.5 करोड़ यूजर्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनी को लीड करने वालों में इंडियन ओरिजिन के लोग इंडियन शामिल हैं, बल्कि ट्विटर को एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने में इंडियन यूजर्स का एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। ऐसे में इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात तो होगी ही। अच्छा, न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ट्विटर के लिए करीब 3700 लोग काम करते हैं, और ऐसे मार काट के बीच मस्क का प्लान है कि इनमें से आधे लोगों को फायर कर देना है। तो ऐसा नहीं है कि गाज सिर्फ भारतीय मूल के टैलेंट पर पड़ी है, लेकिन मस्क के मालिक बनने से पहले कंपनी के सीईओ भारतीय मूल के पराग अग्रवाल थे, और जैसा कि हमने आपको बताया कि उन्हें अपनी नौकरी खोनी पड़ी। उसके बाद तो ट्विटर इंडिया के आधे से ज़्यादा स्टाफ को चलता कर दिया गया। अच्छा, चलता भी ऐसे वैसे नहीं किया गया, मतलब लिटरली चलता कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टाफ से ट्विटर ने कहा कि अगर आप रास्ते में, मतलब ऑफिस आ रहे हैं, तो घर लौट जाइए, आपकी नौकरी है या नहीं ये आपको मेल पे बता दिया जाएगा। फिर मेल पे बता दिया गया, मेल पे ये बताया गया कि उनकी नौकरी चली गई। अच्छा, स्टाफ को पहले से पता था कि नौकरियां जाने वाली हैं, लेकिन जिस तरीके से ये सब किया गया उसे वो केओस बता रहे हैं। वैसे केओस ट्विटर पर ऐसे प्लेटफॉर्म भी मचा हुआ है। इसके मालिक बनने के बाद मस्क किसी ट्रोल की तरह बिहेव कर रहे हैं। उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जिनके पास ब्लू टिक है उनसे वो $8 यानी करीब 650 रुपये की फीस वसूलेंगे। जो लोग उनके इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, मस्क उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। तो मतलब फायरिंग से ट्रोलिंग का जो गेम है वो एकदम मस्त चल रहा है। और इस मस्त गेम पर जाते जाते एक शेर पढ़ दे रहा हूँ कि इब्तदाए इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या।